हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 18 सेफ्टी के सेक्शन 77 और सेक्शन 78 के बारे में। सेक्शन 77 क्या कहता है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियरी, ठीक है, न्यायिक कार्य को करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। और सेक्शन 78 क्या कहता है कि एक्ट डन परसुएंट ऑफ जजमेंट या ऑर्डर, जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने जो कोई जजमेंट या कोई ऑर्डर, कोई आदेश दिया है या कोई निर्णय दिया है, उसके अनुसरण में जो कार्य किया जाएगा वह कार्य अपराध नहीं होगा सेक्शन 78 के तहत। और कोई भी न्यायाधीश द्वारा जुडिशियली परफॉर्म करते हुए, न्यायिक कार्य करते हुए कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। सेक्शन 77 में दो बात है कि जो जज साहब है वो अपनी जो उनकी पावर है उसके तहत कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अपराध नहीं होगा, या गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक जज साहब यह विश्वास करते हैं कि जो एक्ट उन्होंने किया गया है वो उनको कानून ने ऐसा करने का पावर दी हुई है, ठीक है, या तो पावर उनको मिली हुई है या जज साहब सद्भावना पूर्वक यह समझते हैं कि ये पावर उन्हें कानून ने दी है, ठीक है, तो भी वो कार्य जो जज साहब ने न्यायिक प्रक्रिया करते हुए, न्यायिक जो कार्य है वो करते हुए किया है वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये दो चीज है, ठीक है। अगला 78, कोई भी कार्य यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जजमेंट के अनुसरण में या आदेश के अनुसरण में, निर्णय के अनुसरण में जो उसे कोर्ट ने दिया है किया गया है तो वो कार्य भी अपराध नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई जल्लाद है और उसको कोर्ट ने किसी अपराधी को फांसी की सजा देने के लिए उस जल्लाद को कहा है तो जल्लाद द्वारा फांसी दी जाएगी क्योंकि कोर्ट का निर्णय है, ठीक है। चाहे इसमें यह भी है कि चाहे उस जज की वो आधिकारिकता क्षेत्र में वो निर्णय हो या न हो, ठीक है, लेकिन जिसने वो परफॉर्म किया है, वो एक्ट परफॉर्म किया है, वह यह गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक विश्वास रखता हो कि यह करने की पावर कोर्ट को है, ठीक है। मान लीजिए किसी अपराधी को फांसी की सजा दी गई है तो जल्लाद द्वारा जो फांसी दी जाएगी वह इस 78 के तहत अपराध नहीं होगी, लेकिन वह जल्लाद यह सद्भावना पूर्वक विश्वास रखता है कि जिस कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी है वह उसकी आधिकारिकता क्षेत्र में है, ठीक है। तो इन दो सेक्शनों में इतना ही है। सेक्शनों से क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है और ये जल्लाद वाला जो क्वेश्चन है कि एक जल्लाद जो है जब किसी को फांसी देता है तो किस सेक्शन के तहत उसको छूट होगी, वो कार्य अपराध नहीं समझा जाएगा, तो 78 के तहत कईयों बार आया है, लगातार आया है, 4-5-6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री एग्जाम में, ठीक है। तो इस सेक्शन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।